हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉनस्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 14 से 15 अप्रैल के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे दो क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेज़बानी करेगा भारत। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 इसकी मेज़बानी भारत करेगा, और इसका आयोजन नवंबर दिसंबर में किया जाएगा। नवंबर दिसंबर में इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 इसकी मेज़बानी नवंबर दिसंबर में भारत करेगा। अगला प्रश्न, विश्व बैंक ने 2020-21 के लिए भारत की विकास दर को कितने प्रतिशत अनुमानित किया है? तो विश्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए भारत की विकास दर को 2.8% अनुमानित किया है। बात हुई विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। डेविड मलपास। अगला प्रश्न, हाल में M राजशेखरन का निधन हो गया, वे क्या थे? तो MV राजशेखरन ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, ये एक कांग्रेस नेता थे, और ये एक कृषक और ग्रामीण विकास सलाहकार थे। कृषक और ग्रामीण विकास सलाहकार थे। तो ये एक पूर्व केंद्रीय मंत्री थे MV राजशेखरन, हाल ही में इनका निधन हो गया है। अध्यक्ष ने कर्नाटक बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कर्नाटक बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया MS महाबलेश्वर को। यह है MS महाबलेश्वर। तो इनको कर्नाटक बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। इससे पहले भी ये कर्नाटक बैंक के MD और CEO थे, तो अब इनको फिर से 3 साल के लिए कर्नाटक बैंक का MD और CEO नियुक्त कर दिया है। बात हुई कर्नाटक बैंक की, तो कर्नाटक बैंक इसकी स्थापना हुई थी 1924 में, और इसका मुख्यालय है मैंगलोर में। कर्नाटक के मैंगलोर में इसका मुख्यालय है, और इसकी टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया इसकी टैगलाइन है। अगला प्रश्न, IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने किसे अपने विदेश सलाहकार समूह में नियुक्त किया है? तो IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने रघुराम राजन को अपने विदेश सलाहकार समूह में नियुक्त किया है। रघुराम राजन ये RBI के पूर्व गवर्नर हैं, तो इनको IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने अपने विदेश सलाहकार समूह में नियुक्त किया है। बात हुई IMF की, तो IMF इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और IMF की स्थापना हुई थी 1945 में, और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, और IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ इसकी मुख्य अर्थशास्त्री हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में अशोक देसाई का निधन हो गया, वे क्या थे? तो अशोक देसाई ये पूर्व अटॉर्नी जनरल थे। ये थे अशोक देसाई, और ये पूर्व अटॉर्नी जनरल थे, तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। 1996 से 1998 तक इन्होंने अटॉर्नी जनरल के रूप में काम किया था, और 1 साल के लिए इन्होंने सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी काम किया था। और अगर बात करें वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, तो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है KK वेणुगोपाल। KK वेणुगोपाल वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं। और अगर बात करें भारत का पहला अटॉर्नी जनरल कौन था, तो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। और अटॉर्नी जनरल से संबंधित अनुच्छेद होता है 76, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 76।
और अटॉर्नी जनरल इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और अटॉर्नी जनरल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, और अटॉर्नी जनरल को वोट देने का अधिकार नहीं होता है, वोट देने का अधिकार इसको नहीं होता है। अध्यक्ष ने 14 अप्रैल 2020 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 14 अप्रैल 2020 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती मनाई गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था। तो 14 अप्रैल 2020 को इनकी 129वीं जयंती मनाई गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हें संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, और इन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और संविधान सभा की प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अध्यक्ष ने वर्ल्ड चागास डिजीज डे कब मनाया गया? तो वर्ल्ड चागास डिजीज डे ये मनाया गया 14 अप्रैल को, और ये पहला चागास डिजीज डे मनाया गया है, पहला विश्व चागास दिवस मनाया गया 14 अप्रैल को। चागास ये एक रोग होता है, ये एक संक्रामक रोग होता है, और ये रोग ट्रियाटोमाइन कीट के मल में पाए जाने वाले परजीवी की वजह से होता है। एक कीट होता है जिसका नाम होता है ट्रियाटोमाइन, तो इसी कीट के मल में पाए जाने वाले परजीवी की वजह से ये रोग होता है, चागास रोग। तो इसी रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए WHO ने 14 अप्रैल को वर्ल्ड चागास डिजीज डे मनाने की घोषणा की है। तो ये पहली बार 14 अप्रैल 2020 को वर्ल्ड चागास डिजीज डे मनाया गया, और इसकी घोषणा WHO ने की है। तो WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और WHO का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO के वर्तमान में हेड है टेड्रोस एडहानोम, टेड्रोस एडहानोम। अध्यक्ष ने किस मंत्रालय ने युक्ति वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो युक्ति वेब पोर्टल इसका शुभारंभ किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने युक्ति वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है, और ये वेब पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयासों और पहलों की निगरानी करेगा और उसे रिकॉर्ड करेगा। COVID-19 की विभिन्न चुनौतियों को संपूर्ण और व्यापक तरीके से ये कवर करेगा युक्ति वेब पोर्टल, और इसकी फुल फॉर्म भी है, इसकी फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, और इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। तो वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक। अगला प्रश्न है किस राज्य की सरकार ने जरूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक नामक पहल की शुरुआत की है? तो जरूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक नामक पहल की शुरुआत की है मणिपुर की सरकार ने। यह पहल गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो गरीब लोग हैं उनको आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन प्रदान करने के लिए मणिपुर ने फूड बैंक नामक पहल की शुरुआत की है। बात हुई है मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, और मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, और मणिपुर की राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला, और मणिपुर में एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क ये दुनिया का एकमात्र
तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, और ये मणिपुर की लोकटक झील में स्थित है। मणिपुर की लोकटक झील में ये दुनिया का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। दक्षिण किस देश के प्रसिद्ध कॉमेडियन टिम ब्रुक टेलर का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? तो ये ब्रिटिश के एक कॉमेडियन थे, टिम ब्रुक टेलर, ये थे टिम ब्रुक टेलर। तो ये ब्रिटिश के एक फेमस कॉमेडियन थे, कोरोना वायरस की वजह से हाल ही में इनका निधन हो गया है। दोस्तों आज आपके लिए पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, भारत को COVID-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए एशियन विकास बैंक कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का समर्थन देगा? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।